लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्ते। क्या समाचार है आपके यहाँ? बस समाचार क्या, नो न्यूज इज गुड न्यूज जैसे कहते हैं। हे भगवान, क्या हुआ? प्रोफेसर बंडोपाध्याय मर गए। उसमें इतना बुरा मानने की क्या बात है? पैदा हुए तो मरना होगा ही। यूं मत कहिए डॉक्टर साहब, ये कोई साधारण प्रोफेसर नहीं, एक महान उत्खनन शास्त्रज्ञ थे, ए ग्रेट आर्कियोलॉजिस्ट, और एक जमाने में मैं उनका असिस्टेंट था। आप आर्कियोलॉजिस्ट के असिस्टेंट? हाँ हाँ, और महीने के 50 रुपए तनख्वाह मिलती थी मुझे। प्रोफेसर को यकीन था कि मालगुड़ी और उसका परिसर अत्यंत उत्खनन योग्य है, और खोदते खोदते हम दोनों बहुत बड़ा नाम कमाते कमाते बच गए। हाँ, वो सनकी थे जरूर, पर बात थी आदमी में। मेरे ख्याल में भारतवर्ष की जमीन का शायद ही कोई ऐसा भाग हो जिसे इस आदमी ने न खोदा हो। उन्हें देखते ही ऐसा लगता था जैसे वो इस युग के नहीं है, अपने ही खोज में मस्त। खाने पीने की, जागने सोने की उन्हें होश ही नहीं रहता। उनका विश्वास था कि प्राचीन रोम की सभ्यता मालगुड़ी से जुड़ी है, और मालगुड़ी में इस बात का सबूत है। बहरहाल, यहाँ पहुंचते उन्होंने मुझे बुलवाया। मैं तो दंग ही रह गया कि वो महान व्यक्ति अपने सामने कुछ अजीब पुरानी निकम्मी टूटी फूटी चीजों का भंडार बिखेरे हुए जमीन पर बैठे थे। नमस्ते सर। ए चादरी। यस सर। अच्छा किया तुम आ गए। इस प्रदेश के पुरातत्व संबंधी चीजों के बारे में तुम क्या जानते हो? सर वो क्या है, जैसे आप जानते हैं यहाँ तो कोई काम ढंग से नहीं होता। हाँ, कभी कभार यहाँ के गवार किसानों को खेत जोतते समय ये मिट्टी के बर्तन या धातुओं की मूर्तियां, ऐसी पुरानी पुरानी चीजें जरूर मिल जाती हैं। इन चीजों का वो लोग क्या करते हैं? सर वो तो इन चीजों को फेंक देते हैं, नहीं तो बच्चों को खेलने के लिए देते हैं। सर क्या है, यहाँ के लोग पुरातत्व शास्त्रियों को कब्र खोदू ग्रेव डिगर्स कहते हैं सर। क्या ये सब बदलना चाहिए? हाँ सर। कल से कांच धातु या मिट्टी की कोई भी चीज फेंकी नहीं जाएगी। बिल्कुल नहीं सर। हमें कुछ नक्शों की और गाड़ियों की जरूरत पड़ेगी। और हाँ, अखबार वालों को हमारे हर काम की खबर मिलनी चाहिए। सर अपनी बढ़ाई नहीं करना चाहता, फिर भी मैं खुद पार्ट टाइम पत्रकार हूँ, और आप बेफिक्र रहिए कि हमारे डिगिंग्स के उत्खनन के सारे समाचार देश के सारे अखबारों में छपेंगे। बहुत अच्छा, कल सुबह 6 बजे ही काम शुरू कर देंगे। जी सर।
सर, मेरे ख्याल में तो ये टुकड़ा काफी बेकार है। नॉनसेंस, क्या रखते हो? शेषाद्री, तुम समझते क्यों नहीं, हम एक बहुत बड़े आविष्कार के द्वार पे खड़े हैं। हमें उस टीले को खोज निकालना है जिसके नीचे एक बड़ा शहर गड़ गया, ऐसा शहर जिसकी संस्कृति, जिसकी सभ्यता मोहिंदोदारो और हड़प्पा से भी पुरानी हो। ऐसी एक प्राचीन नागरिकता पर सिर्फ मेरा अधिकार होना चाहिए, सिर्फ मेरा और किसी का नहीं, फिर हम इतिहास बना सकते हैं। सर, ये कोई काम का होगा? ये कांच का टुकड़ा कोई साधारण खोज नहीं है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है हमारे लिए। फ्लोरेंस का है ये, 5वीं शताब्दी तक इसका प्रचलन काफी रहा, दुनिया में और कहीं ऐसा कांच नहीं मिलता। इतिहास को पलटा के रख देंगे हम। इतिहास को पलटा देंगे? जी, मैं आपकी बात से पूर्ण सहमत हूँ, लेकिन इस कमबख्त बिजली ने अगर साथ ना छोड़ा होता तो हम अपने इन आविष्कारों को कम से कम ठीक से तो देख लेते। 4 दिन हो गए जब से ये बिजली देख। हाँ हाँ, इन छोटी अड़चनों से परेशान मत हो, बड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा हमें। अपनी आंखें खुली रखो, हम एक बहुत बड़े ऐतिहासिक आविष्कार के द्वार पे खड़े हैं। वाह, इस कड़ी धूप में बस इसी की जरूरत थी। साहब, ये प्रोफेसर कब वापस जाएंगे? प्रोफेसर और वापस? क्यों? प्रोफेसर वापस चले गए तो हम दोनों को तनख्वाह कौन देगा? हाँ, तुम यहाँ खोदना शुरू करो। पर ये तो खड़ा पत्थर है। हाँ तो क्या हुआ, खोदो खोदो। प्रोफेसर साहब, सर देखिए मुझे क्या मिला। शेषाद्री, 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 सर, बेशक यह मूर्ति पुरातन रोम की है, ये रोमन इमेज। मुझे भी यही लगा था। प्रोफेसर सर्वश्री बंडोपाध्याय जी आज इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये मूर्ति और किसी की नहीं पर 4वीं शताब्दी के महान रोमन एम्परर महाराजा टाइबेरियस दो की है। कार्य में, इस महान कार्य में इस नाचिस का भी थोड़ा सा हाथ रहा है।
और अपने इस आविष्कार पे हमें इतना भरोसा है कि हम दावे के साथ कह सकते हैं कि वो दिन भी दूर नहीं जब अंतरराष्ट्रीय पुरातत्व संस्था भी हमें बुलाकर सम्मान करेगी। नमस्कार। मालगुड़ी के इस सुपुत्र पे हमें नाज है। मालगुड़ी के इस बेटे ने आज भारतीय इतिहास को बचा लिया। मैं भारत सरकार से जरूर प्रार्थना करूंगा कि मालगुड़ी के बेटे हमारे मिस्टर शेषाद्री और प्रोफेसर बंडोपाध्याय को पद्मश्री जरूर दिया जाए। नहीं, पर मिस्टर शेषाद्री आप ना कैसे कह सकते हैं? कोई छोटी मोटी नौकरी तो नहीं है ये? मद्रास यूनिवर्सिटी की आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के प्रमुख का पोस्ट है ये? माफ कीजिए सर, मुझे जाना ही होगा, इतिहास को मेरी जरूरत है। सर 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 क्या है? माफ कीजिए सर, मैं एक संवाददाता हूँ सर। आपकी जो रोमन इमेज पर पुस्तक है वो कब प्रकाशित होगी? कुछ कह नहीं सकते, ऐसे मामले में देर तो लग ही जाती है, कुछ 10-15 दिन लगेंगे। और एक प्रश्न सर, क्या ये सच है कि आपका ये जो अंशदान है हिंदुस्तान के इतिहास को एक सुनहरा मोड़ देगा? भारतीय इतिहास ही नहीं, अरे विश्व का इतिहास। अब और सवाल मत पूछिएगा, मैं बहुत बिजी हूँ। शेषाद्री। यस सर। जल्दी आओ, अब जल्द से जल्द सराल पहुंचना होगा। बहुत अच्छा सर, कब निकलेंगे हम? हम नहीं, तुम। मैं अकेले? हाँ, मुझे उत्तर हिंदुस्तान जाना होगा। जैसलमेर में एक राजमहल सुधारने का काम मिला है मुझे। उत्तर हिंदुस्तान, हिमालय के तले, कश्मीर, लखनऊ, जयपुर। वाह, अच्छा हुआ, मुझे भी छुट्टी की सख्त जरूरत है। छुट्टी मनाने के दिन अभी आए नहीं, पहले सिराल का सारा काम खत्म हो जाए। पर इतनी जल्दी क्या है सर? नदी में जहाँ वो मूर्ति मिली उस जगह की गहराई नापनी होगी तुम्हें। सारी जरूरतों की सूची ऑफिस में तुम्हारे टेबल पर है। यस सर। पानी में कूदो और उस जगह की गहराई नापो जहां वो मूर्ति मिली थी। प्रोफेसर को चाहिए। हंसते क्यों हो? मुझे तैरना नहीं आता साहब। साहब, आप इसी इलाके के हैं? जी साहब, बदकिस्मती से यहीं का रहने वाला हूं। कुछ पता भी है आपको? क्या कह रहे हैं आप? ये जगह जहां आप बैठे हैं ये जगह नहीं है, ऐतिहासिक स्थल है जिसकी महिमा आप नहीं जानते। ऐतिहासिक? हाँ, इसी जगह पानी में मुझे एक मूर्ति मिली। मूर्ति? हाँ। यहां मूर्ति मिली आपको? रोम की मूर्ति। रोम? वो कहां है? रोम यूरोप में, जहां सफेद चमड़े वाले लोग रहते हैं। उस मूर्ति का हाथ नाक कुछ नहीं है ना? हाँ, नहीं है। अखबार में पढ़ा आपने? नहीं, अखबार कौन पढ़ता है? नहीं तो फिर किसी ने बताया होगा? नहीं। आप इस मूर्ति के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं? चलिए मेरे साथ। तुम यहीं रहो। हमारे पूर्वजों का मंदिर,
अब यहाँ कोई नहीं आता। असल में ये द्वारपालों को की जोड़ी थी साहब। आपको नदी में जो मूर्ति मिली ना, वो इसी जोड़ी में से एक होगी। वो पैर दिख रहे हैं ना आपको, वो दूसरे द्वारपालक के हैं। ये मालगुड़ी के शिल्पकार ने बनाए थे 12 साल पहले। आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तो फिर ये नदी में कैसे पहुंचा? वो एक लंबी कहानी है साहब। हमने यहाँ एक पुजारी रखा था, जब उसके पिताजी गुजर गए तो वो यहाँ का पुजारी बन गया। वो था तो बहुत हसमुख किस्म का, और जब कोई त्योहार होता तब तो पूछो ही मत। अपने सारे काम वो बड़ी अच्छी तरह से करता, पर कुछ ही दिनों में हमारे कानों पर एक बात पड़ी। सुना कि वो पीता बहुत था। पहले तो हम इस बात का विश्वास ही नहीं कर पाए, मगर धीरे धीरे वो अपने सही रंग दिखाने लगा। अब वो तो सुबह से शाम नशे में धुत रहता, चाहे कोई त्योहार ही क्यों ना हो, पूजा भी नशे में ही कर देता। एक बार तो साहब दिवाली के दिन वो झूमता हुआ मंदिर से बाहर निकला। अब आप ही बताइए, एक पुजारी के लिए इससे बड़ा और कौन सा पाप हो सकता है? मगर उसका ये पियकड़पन हम इस उम्मीद को लेकर सह रहे थे कि किसी दिन भगवान ही उसे सबक सिखाता, इसीलिए हमने उसे नौकरी से निकाला तक नहीं। पर जब हमने इन मूर्तियों को यहां स्थापित करवाया तो कहने लगा कि ये मूर्तियां उसे घूरती हैं और उसी को ताकती रहती हैं। मंदिर के भीतर जाने का वो एक पल मानो उसके लिए जानलेवा बन गया था। मंदिर के भीतर बाहर आना जाना उसके लिए एक समस्या ही बनी रही। धीरे धीरे उसकी शिकायतें बढ़ने लगी। कहने लगा कि वो मूर्तियां उसके पीठ में घूसा मारती हैं, लात मारती हैं, कभी कभी तो वो हमें घाव और खरोचे भी दिखाता। हमने उसे बताया कि अगर बिना शराब के एक बूंद के वो मंदिर में जाता तो हम उसकी शिकायतों के बारे में कुछ करते, पर वो कहता कि अगर पल भर के लिए भी उसने एक मूर्ति पर से आंखें उठाई तो दूसरी मूर्ति उसे पीछे से मारती। कुछ ही दिनों में मूर्तियों को सबक सिखाने का तरीका उसने खुद ही ढूंढ निकाला। वो हाथ में मुगरी लिए घूमने लगा और हर घूसे का हर लात का जवाब उस मुगरी के मार से देता। इन मूर्तियों को देखकर लगता है कि बाईं तरफ की मूर्ति ज्यादा शैतान रही होगी। बात इस हद तक पहुंची कि एक दिन मूर्ति ही टूट गई। दूसरे दिन सुबह एक और कहानी शुरू हो गई। कहने लगा कि उसने अपनी आंखों से मूर्ति को नदी में छलांग लगाते हुए देखा, पर कहां फेंका था ये किसी को नहीं मालूम। अगर आप मुझे वो अपनी रोमन मूर्ति बता दे तो शायद। नहीं, अब उसके कोई जरूरत नहीं। साहब, पालगुड़ी पोस्ट ऑफिस से ट्रंकल आया है। हेलो, मैं शेषाद्री सर, पालगुड़ी से। वहाँ जैसलमेर में काम कैसे चल रहा? ठीक है, फोन क्यों किया? सर वो रोम की मूर्ति नहीं, मालगुड़ी में बनी हुई मूर्ति है। क्या? हाँ सर, मंदिर के द्वारपालक की मूर्ति है। बस कुछ 12 साल पहले यही मालगुड़ी में बनी थी। सारी दुनिया के सामने उल्लू गधे बन गए हम। हाँ सर, मुझे भी अफसोस है सर। वो मेरे सारे लेख है और आपके सारे कागजात का क्या करूं? जला दो शेषाद्री, हुजरती को जला दो। पर सर वो सब मद्रास में है। मद्रास जाके जला दो उसे। यस सर। और वो टाइबेरियस रोमन मूर्ति की, मालगुड़ी की मूर्ति का क्या करूं सर? समुंदर में फेंक दो उसे। सर वो मैं प्रेस रिपोर्टर हूँ, मद्रास से आप ही को मिलने आया हूँ। रोमन इमेज के बारे में आपकी क्या राय है? अरे निकल जाओ यहाँ से।
रही प्रोफेसर बंडोपाध्याय जी की कहानी, एक ऐसी कहानी जिससे इतिहास की दिशा ही बदल जाती। अब मेरी प्रार्थना यही है कि वो मूर्ति बंगाल की खाड़ी में ही पड़ी रहे, और भगवान न करे कोई बड़ी मछली उस मूर्ति को निगल जाए और किसी दिन किसी प्रोफेसर के टेबल पे वो मूर्ति फिर जा पहुंचे। अच्छा, वो किस्सा सुनाया मैंने आपको, चाहे एक बड़ी व्हेल मछली मुझे निगलने आई थी। नहीं 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 शेषाद्री जी, आज नहीं, फिर कभी। नहीं